ओके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो ये पुरस्कार होते हैं राष्ट्रीय अभिमान पुरस्कार, जैसे आज मुझे मिला है, तो इसमें एक प्राउड मोमेंट होता है। ये मतलब देश के लिए भी अच्छा है और देश की लड़की के लिए भी अच्छा। तो जैसे कि मैंने बोला है कि मैं भारत की नागरिक हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ आई हूँ और इतने बड़े सम्मानित लोगों के सामने मुझे पुरस्कार मिला, उनके हाथों से मुझे पुरस्कार मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने स्टेज पे भी बोला था कि आज मैं अपनी माँ की देन हूँ, अपनी मम्मी की देन हूँ कि उन्होंने जो गहने गिरवी रखे थे, उन गहने गिरवी रख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी मम्मी का ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मेरी मम्मी का ये एक बहुत बड़ा नहीं योगदान है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सॉरी बीच में भूल गई। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको ये वाइट कलर का, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये आपका खुद का है, डिज़ाइनर क्या है? हाँ, ये डिज़ाइनर आउटफिट है और डिज़ाइनर मेरा यहीं पे है, कुणाल। तो डिज़ाइनर कुणाल ने मेरा ये आउटफिट बनाया है जैसे आप देख रहे हैं। तो बस, और वाइट मैंने इसलिए पहना, पहले मैंने सोचा था कि जैसे यहाँ पे नेता लोग आ रहे हैं तो वाइट साड़ी पहनूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में चीज़ें चेंज हो गई है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंच पे जा रहे हो तो आपको साड़ी, वाइट साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। आप नॉर्मल भी, जैसे मैंने आज पहना है वाइट कलर का, बट उसको एक आकार दे दिया गया, तो वो मैंने दिया है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सच में यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार हैं इनमें मैं जाऊँ। और बस अर्चना जी, आपको नेक्स्ट मंथ से बहुत कुछ आने वाला है, मैं अभी बता नहीं सकती, बट आपको जब भी दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा, बट मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि चैनल ने मना किया है, तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। साथ ही जी नहीं, मेरी बात नहीं है। हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप रियल थे तो बाहर भी रियल रहो, दिखावा किस बात का। तो भैया, मैं तो जैसी अंदर थी मैं बाहर वैसी हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि हस्बैंड वाइफ को, बहन भाई को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, दादा दादी को, या मम्मी पापा को, या किसी को भी एक बंद कमरे में 4-5 महीने के लिए रख दो और उतना लिमिटेड खाना दो, या जो भी है, लड़ाई तो भैया होगी। आप 4-4.5 महीने तक अपनी लड़ाई को ना करने से बचाते हो और अंदर ही अंदर लेते हो, तो भैया बाहर तो फटोगे ही। तो आप देखते, आपको जैसे कि पता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अभी वेट करो और दही बनने का। तो मैं भी वेट कर रही हूँ दही कब बनेगी और कब हम उस चीज़ का मज़ा लेंगे। तो ऑफकोर्स मुझे तो कोई गम नहीं है, मैं जैसी थी वैसी हूँ, बस कुछ लोगों ने मुखौटे पहन रखे थे, अब उनके मुखौटे उतर रहे हैं। बस आप देखो किस किस के मुखौटे उतरते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो यही तो मज़ा है, अरे यही तो मज़ा है, उनको झगड़ने दो, हम चलते रहेंगे, हमारी रुकावटें में कोई नहीं आएगा। तो यही तो मज़ा है, और जो ये जो मज़ा है ना, इसको आपको मज़े लेने चाहिए। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें, बस और क्या चाहिए। बस देखो पिक्चर देखो अभी पूरी। थैंक यू सो मच। कभी जा रही है चाय के लिए? देखते हैं, बस अभी तो जैसे कल चंडीगढ़ जा रही हूँ, सॉरी कल चंडीगढ़ जा रही हूँ एक म्यूज़िक वीडियो के लिए। उसके बाद मेरे बैक टू बैक चीज़ें, फिर उसके बाद दुबई वापस जाना है एक नई प्रोजेक्ट के लिए। तो देखती हूँ जल्दी मैं फ्री होके जाती हूँ। थैंक यू। दोनों ऑफकोर्स, चाय के साथ साथ चुस्कियाँ तो बाकी है ना, तो चुस्कियाँ भी लेंगे और मस्ती भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तो जाती हूँ मैं।